नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। मैं हूं पद्मजा जोशी। 7 बजे की खबरों की शुरुआत करते हैं राहुल गांधी के उन हमलों से जिन्हें उन्होंने पीएम मोदी पर आज ताबड़तोड़ किया। कांग्रेस के जनवेदना सम्मेलन में राहुल ने पहले तो मोदी और उनकी नीतियों का जमकर मजाक उड़ाया, फिर मोदी से नहीं डरने की नसीहत भी दे दी। कांग्रेस पार्टी का हाथ का निशान क्यों दिखाई दे रहा है? मैंने उनसे कहा इसका मतलब क्या है कि डरो मत, वर्तमान परिस्थितियों से डरो मत, अपनी रियलिटी से, अपने प्रेजेंट से डरो मत। गांधी जी की और नेहरू जी की कॉरेस्पॉन्डेंस में मैंने देखा, डरो मत अंग्रेजों के सामने, डरो मत। हिंदुस्तान के किसान को अपने आप में भरोसा करो, डरो मत। हिंदुस्तान के किसानों को वही मैसेज, डरो मत। चाहे वो जमीनी अधिकरण बिल हो, चाहे वो लिबरलाइजेशन हो, मैसेज क्या था, डरो मत। प्रेस वालों के साथ, मेरे मित्रों के साथ मजाक किया, डरो मत। एक फिलॉसफी कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी कहती है डरो मत। मजदूरों को हमने बताया कि देखिए आप घबराइए मत, डरो मत। 100 दिन का रोजगार हम आपको गारंटी करके देते हैं, डरो मत। हमने किसानों को कहा देखो डरो मत, कोई भी तुमसे जमीन छीनना चाहता है, लेना चाहता है तो उसे मार्केट रेट देना पड़ेगा, डरो मत। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस के जनवेदना सम्मेलन में एक ही दिन में राहुल ने मोदी पर कुछ घंटों के अंतराल में ही 2 बार प्रहार किया। पहले उद्घाटन में पीएम मोदी और उनकी योजनाओं का कई बार मजाक उड़ाकर, फिर दिन ढलने के दौरान इस नसीहत के साथ कि मोदी से डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कांग्रेस का हाथ हर किसी के साथ। एक फिलॉसफी कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी कहती है डरो मत, कि डरो मत, वर्तमान परिस्थितियों से डरो मत। मजदूरों को हमने बताया कि देखिए आप घबराइए मत, डरो मत। जनवेदना सम्मेलन की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि पहली बार राहुल ने देश भर से आए 5,000 से भी ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। जब योगा की बड़ा फैशन हुआ, बड़ा सुंदर लगा, मगर पद्मासन नहीं लगा। अगर आपने देखा होगा जब झाड़ू लग रहा था, बीजेपी के सब नेताओं ने झाड़ू गलत पकड़ा हुआ था, मोदी जी ने झाड़ू को ऐसे पकड़ा हुआ था। नरेंद्र मोदी जी को पता लग रहा है कि वो योगा के पीछे, मेक इन इंडिया के पीछे, स्किल इंडिया के पीछे नहीं छुप पाएंगे। इस मौके को राहुल की ताजपोशी के लिहाज से भी देखा जा रहा है। यह भी साफ हो चुका है कि कांग्रेस का पावर सेंटर अब धीरे धीरे 10 जनपद से शिफ्ट होकर राहुल का आवास यानी 10 तुगलक लेन होता जा रहा है। हालांकि राहुल पहले भी इन आरोपों को अपना हथियार बना चुके हैं। फैसला जनता 2019 में करेगी। दिल्ली से सुप्रिया और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के भविष्य को सुनहरा बना सकता है। अब उसी सम्मेलन से जरा राहुल गांधी के उस अंदाज को भी देखिए जहां वो प्रधानमंत्री मोदी की स्टाइल को बयां कर रहे हैं। वैसा डायलॉग नरेंद्र मोदी जी आए और वैसा डायलॉग दिया। देशवासियों, सॉरी 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 सॉरी, माफी चाहता हूं। मित्रों, मित्रों, अपने जेब में हाथ डालो। सबने अपने जेब में हाथ डाला। ये जो तुम्हारे जेब में 500,000 रुपए का नोट है, अब ये कागज हो गया है, कागज। मित्रों, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे अपना वर्तमान समय दो, मैं आपको
एक चमकता हुआ नया भारत आज से 10-15 साल बाद दूंगा। एक एक पिक्चर थी आपको याद होगा, नमक हलाल पिक्चर थी, याद है आपको, अमिताभ बच्चन वाली। खैर मैंने वो देखी नहीं है, मगर उसका मैं डायलॉग जानता हूं, गाना जानता हूं। आपको तो लगता है बस ये सपना, राम राम जपना, गरीब का माल अपना। उद्योगपतियों के डायरी केस में आज प्रधानमंत्री मोदी को काफी बड़ी राहत मिली। प्रशांत भूषण की याचिका सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दी। सिर्फ कागज पर लिखी बात को सबूत मानने से और एफआईआर करने से अदालत ने साफ इनकार कर दिया। पीएम मोदी पर आरोपों की बमबारी करने वाले राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उद्योगपति घराने की केस डायरी मामले की जांच की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। मामले को लेकर एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मांग थी कि डायरी केस में आरोपों के घेरे में पीएम है, लिहाजा जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सबूतों के अभाव में दलील नहीं चल पाई। जो कि इनकम टैक्स ने सीज किया, इनकम टैक्स ने उसका अप्रेजल किया, इनकम टैक्स ने उन्हें सही माना, जो ये दिखा रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को सहारा के केस में तो कि किस किस दिन कितना कितना अमाउंट कहां पर किसने जाकर किसको दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इनकम टैक्स रेड में जब्त दस्तावेजों के आधार पर जांच नहीं होगी। इसी दस्तावेज के आधार पर राहुल ने पीएम पर सवाल उठाए थे। इन कागजों में लिखा है नरेंद्र मोदी जी को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बार 6 महीने में सहारा ने पैसा दिया। राहुल के आरोपों को बीजेपी ने पहले ही बकवास बताया था। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो बीजेपी को अपने आप ही थी। मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले को बीजेपी आगे होने वाले 5 राज्यों के चुनाव में भी मुद्दा बनाकर भुना सकती है। आज तक ब्यूरो। अदालत ने साफ माना कि सिर्फ कागज पर लिखी बातों के आधार पर जांच नहीं हो सकती है। उसी के कुछ मिनटों बाद फिर से उसी डायरी का उल्लेख किया राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में। बात अब करते हैं अखिलेश यादव की। उनके और मुलायम सिंह के बीच सुलह के आसार कम हो रहे हैं, लेकिन पिता मुलायम ने हथियार डालने का इशारा एक बार फिर से किया है। हालांकि राम गोपाल यादव के खिलाफ वो अभी भी सख्त हैं। फिलहाल इंतजार 13 तारीख का है, जब चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह पर फैसला सुनाएगा। समाजवादी पार्टी पर वर्चस्व की लड़ाई में बेटे अखिलेश के हाथों हाशिए पर धकेल दिए जाने के बाद अब मुलायम सिंह यादव इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। बुधवार को भाई शिवपाल यादव के साथ दिल्ली जाने से पहले मुलायम सिंह कुछ देर के लिए समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे। वहां जमा मुट्ठी भर कार्यकर्ता से नेताजी ने अपने दिल का दर्द बांटा। पूरा भरोसा है कि पार्टी सियासी दंगल के महारथी मुलायम भी अब वक्त की नजाकत को समझने लगे हैं। बेटे के सामने धीरे धीरे हथियार डाल रहे हैं, लेकिन रामगोपाल को पार्टी तोड़ने की साजिश के लिए कटघरे में फिर खड़ा किया। वैसे बीजेपी इसे बाप बेटे की स्क्रिप्ट का हिस्सा भर मान रही है। फिलहाल मुलायम छोटे भाई शिवपाल के साथ दिल्ली में है। 13 तारीख को चुनाव आयोग समाजवादी पार्टी में चुनाव चिन्ह के झगड़े पर फैसला सुनाएगा, लेकिन उससे पहले मुलायम और अखिलेश कैंप के बीच सुलह की संभावनाएं तकरीबन खत्म हो गई हैं। लखनऊ से बालकृष्ण के साथ आज तक ब्यूरो। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। क्या वो दिल्ली छोड़कर पंजाब जाने के मूड में है? आज उन्होंने साफ कर दिया कि पंजाब का सीएम बनने का उनका फिलहाल कोई इरादा नहीं है। आपको याद होगा कि कल ही मनीष सिसोदिया ने कहा था कि पंजाब में वोट केजरीवाल के सीएम बनने के नाम पर ही डलेगा। मैंने कहा आप पंजाब तो यही मान के वोट करें कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहे हैं। मैं इसलिए कहा कि जो भी वादे पूरे कर रहे हैं
अरविंद केजरीवाल ऐसे नहीं भागेंगे, पंजाब के लिए जो जो वादे करें वो पूरे करवाएंगे। मेरे को पता चला रात को सुखबीर बादल 3 बार नींद में से उठा, भूत की तरह मैं उसके सपनों में आ रहा था। केजरीवाल मुख्यमंत्री बनना चाहता है पंजाब का, केजरीवाल मैं उनको कहना चाहता हूँ मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, दिल्ली वालों ने मेरे को जिम्मेदारी दी है, मैं पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। ये खबर अब कश्मीर से, जहां की बर्फीली वादियों के बीच घुसपैठ करते आतंकवादियों की एक नई तस्वीर सामने आई है। इसी तस्वीर ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। क्यों? क्योंकि उत्तरी कश्मीर के किसी गुमनाम ठिकाने पर शूट किए गए इस वीडियो में आतंकवादियों ने खुद ही सोशल मीडिया पर जारी करके ये दिखा दिया है कि किस तरह अब लश्कर ए तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन कश्मीर में साथ साथ काम कर रहे हैं। बर्फीली वादियों के बीच दहशतगर्दों की नई प्लानिंग, खून खराबा करने के इरादे से पहले बर्फ में खेलते आतंकी। बर्फीली वादियों में घुसपैठ की नई तस्वीर, यह चौंकाने वाला वीडियो खुद हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा के आतंकियों ने सोशल मीडिया पर जारी किया है, और वो भी भड़काऊ गाने के साथ। आतंकियों के इस वीडियो के फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन खुफिया एजेंसियों की माने तो लश्कर और हिजबुल के आतंकी सरहद पार के नापाक इरादों को अंजाम देने में लगे हैं। 2 मिनट 40 सेकंड के इस वीडियो में 5 आतंकी साफ साफ दिख रहे हैं। जो नहीं दिख रहा है वो वीडियो बना रहा है। ये वीडियो उत्तरी कश्मीर के किसी पहाड़ी इलाके में शूट किया गया है। वीडियो के शुरू में ही इस पर 7 जनवरी 2017 की तारीख एडिट कर लिखी गई है। ये आतंकवादी कभी रुक कर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, कभी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो कभी हवा में हथियार लहरा रहे हैं। सूत्रों की माने तो वीडियो के सामने आते ही पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। लश्कर के साथ हिजबुल के खतरनाक गठजोड़ का खुलासा पहले भी हो चुका है, जब हिजबुल कमांडर बुरहान वानी ने सरहद पार लश्कर के आका हाफिज सईद से बातें की थी। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। बीएसएफ के जवान तेज बहादुर यादव के आरोपों से बवाल बढ़ता जा रहा है। दोपहर में बीएसएफ ने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी, लेकिन अब दूसरे भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें सैनिकों को मिलने वाली सुविधाएं में कमी की बात की जा रही है। हालांकि सरकार ने कहा है कि जांच में सच सामने आ ही जाएगा। बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव के आरोपों से पहले ही हड़कंप मचा हुआ है। अब तेज बहादुर की पत्नी ने भी सरकार को सख्ती में डाल दिया है। पत्नी सुशीला ने कहा है कि अगर पति तेज बहादुर को कुछ होता है तो जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ सरकार होगी। मेरे पति ने बताया, वीडियो में भी बोला है और वैसे भी कहा है कि कुछ भी हो सकता है मेरे साथ और ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। मेरे पति को अगर कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेवार सरकार होगी या बीएसएफ होगी, उन्हें ही जवाब देना पड़ेगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरे मामले की जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन सैनिकों को खाने पीने से लेकर दूसरी सुविधाओं को लेकर अब कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। बीएसएफ के 192 बटालियन के एक जवान ने भी मिलने वाली सुविधाओं में खोखलेपन का आरोप लगाते हुए 31 अक्टूबर 2016 में गृह मंत्रालय को एक अति गोपनीय चिट्ठी लिखी। पत्र में रोटी कपड़ा मकान पोस्टिंग काम के घंटे और हथियारों को लेकर मुश्किलों का जिक्र किया। हालांकि तेज बहादुर के वीडियो की भी जांच हो रही है, लेकिन उससे पहले ही सरकार का वादा है कि देश के सभी पोस्ट पर सुविधाओं की खोज खबर ली जा रही है। सवाल साख का है, सरकार हो या फिर सेना और अर्धसैनिक बल, देश हित में यही है कि शिकायत के शोर की गुंजाइश ही ना बचे। महेंद्रगढ़ से अनिल सिहाग और दिल्ली से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। भारी बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में तापमान में भारी गिरावट आई है। कई जगहों पर शीतलहर चलने लगी है। आपको अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, कहीं बर्फबारी तो कहीं शीतलहर का कहर। पहाड़ी इलाकों की बर्फबारी से दिल्ली का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे अचानक ठंड बढ़ी है। अनुमान है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है।
और अगर आपको दिल्ली में ठंड लग रही है तो सोचिए श्रीनगर के बारे में, जहां का पारा शून्य से नीचे चला गया है। हमारे संवाददाता अशरफ वानी बता रहे हैं जिंदगी पर बर्फ का कितना भारी असर पड़ा है। कश्मीर में हुई जमकर बर्फबारी के बाद अब पूरी तरह से कश्मीर वादी जो है ठंड के प्रकोप में जम चुकी है। अगर आज हम बात करें तो श्रीनगर में न्यूनतम तापमान रात का -4.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि अभी भी तापमान शून्य से नीचे है, जबकि दिन का समय शुरू हुआ है और वही कहीं ना कहीं लोगों के लिए संकट की बात है। दरअसल कश्मीर में ठंड को डल झील से आंका जाता है। जब ये झील जमने लगती है तब एहसास होता है कि कश्मीर में किस अंदाजे की और किस तरह की कड़ाके की ठंड पड़ रही है। डल झील आप देख सकते हैं यहाँ पूरी तरह से धीरे धीरे जमने लगी है और बीच में कहीं कहीं अभी ये जमा नहीं है, जहाँ पर इन पक्षियों ने डेरा जमाया है, क्योंकि वो जो जमा हुआ झील है उसमें रह नहीं सकते हैं। इस बीच ये उन जगहों से निकलकर अब उन जगहों की ओर बढ़ रहे हैं जहां पर अभी झील जमी नहीं है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3 दिन कश्मीर में सख्त तरीन ठंड के होंगे और तापमान रात के साथ साथ दिन का भी शून्य के आसपास ही रहेगा। दिखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहा है श्रीनगर, पर ठंड नहीं झेली जाएगी। आज के लिए इंडिया 360 में बस इतना ही।